आईपीएल 2019 का सातवां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच 28 मार्च को बेंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस सातवें मुकाबले के लिए इन दोनों ही टीमों की बिल्कुल सटीक प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हम करने वाले हैं इस सातवें मैच के लिए एक मैच प्रेडिक्शन, और ये जानने वाले हैं कि जब ये दोनों टीमें इस मुकाबले में आपस में आमने सामने होगी तो कौन सी टीम के जीतने के चांस सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी यह सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। और दोस्तों अगर आप भी इस मुकाबले में अपनी फेवरेट टीम की जीत चाहते हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक, और क्रिकेट और आईपीएल की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर इस मुकाबले के लिए सबसे पहले मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 को देखें तो दोस्तों एमआई के लिए इस मैच में भी ओपनिंग करने वाले हैं कप्तान रोहित शर्मा और क्विंटन डिकोक। नंबर 3 पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव उतरने वाले हैं। नंबर 4 पर युवराज सिंह। नंबर 5 पर कायरन पोलार्ड। नंबर 6 पर कृणाल पांड्या और नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या। नंबर 8 पर दोस्तों बेन कटिंग्स उतरने वाले हैं। नंबर 9 पर मिचेल मैक्लेनेगन। नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह जो कि अब पूरे फिट हो चुके हैं। और नंबर 11 पर दोस्तों इस मुकाबले में मयंक मार्कंडे को मौका दिया जा सकता है। तो दोस्तों यह रहने वाली है इस मुकाबले के लिए मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। दोस्तों अब अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 को देखें तो दोस्तों इस मुकाबले में आरसीबी के लिए ओपनिंग करने वाले हैं विराट कोहली और पार्थिव पटेल। नंबर 3 पर दोस्तों एबी डिविलियर्स उतर सकते हैं। नंबर 4 पर शिमरॉन हिटमायर। नंबर 5 पर मोइन अली। नंबर 6 पर दोस्तों शिवम दुबे उतर सकते हैं। नंबर 7 पर दोस्तों कोलंडे ग्रैंडहोम उतरेंगे। नंबर 8 पर नवदीप सैनी। नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज। नंबर 10 पर उमेश यादव और नंबर 11 पर यूजी चहल उतरेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की रहने वाली है इस मुकाबले के लिए इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। तो दोस्तों अब अगर मैच प्रेडिक्शन को देखें तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह मुकाबला बेंगलोर के होम ग्राउंड यानी कि एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास इस मुकाबले में होम एडवांटेज तो रहेगा ही, साथ साथ दोस्तों बेंगलोर में जो आरसीबी का क्राउड सपोर्ट है वो भी बड़ा ही शानदार होता है। तो दोस्तों फैंस की चीयरिंग में और साथ ही साथ होम एडवांटेज में आरसीबी की टीम एमआई से इस मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा बड़ी रहने वाली है। तो दोस्तों इस मुकाबले में जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है वो कहीं ना कहीं एमआई की टीम से थोड़ी सी हटके ज़रूर लगने वाली है, क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि जब बेंगलोर में मैच हुआ था आरसीबी और मुंबई के बीच तो दोस्तों वहां पर भी आरसीबी की टीम ने मुंबई के खिलाफ एक शानदार तरह से जीत हासिल की थी। तो दोस्तों इस मुकाबले के लिए माई प्रेडिक्शन यानी कि मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है उसके पास इस मुकाबले में जीतने के एमआई के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा चांस रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले में जीतने वाली है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। क्रिकेट और आईपीएल की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आप भी क्रिकेट की ये छोटी छोटी खबरें लाइव पर भी पाना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको हमारे लाइक अकाउंट को फॉलो कर लेना है और आप ऐसी ही क्रिकेट की शॉर्ट खबरें लाइव पर भी देख पाएंगे। तो जल्दी से हमको लाइक पर फॉलो कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए।